इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस चुनाव में कुछ लोगों ने नज़रअंदाज कर दी, और बहुत यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई और या तो न्यूज़ में नहीं आया, तो बने रहना। पूरे कैंपेन में जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली और पूरा जीतने के बाद जो न्यूज़ आ रही है हर चीज़, किसी ने एक बात पे फोकस नहीं किया कि जैसे स्मृति ईरानी का अमेठी से जीतना इम्पोर्टेंट था, बहुत बड़ी बात लग रही है सबको, है भी, किसी को उसी के गढ़ से हरा देना और जिसका सो कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस था कि जो हमारे बाप दादा की नो पुश्तैनी जमीन है, इलाका, यहाँ से हम कभी हारे नहीं, वो बहुत 30-40 हज़ार के मार्जिन से हरा देना बहुत बड़ी बात है। और ये डर वो पहले ही भाप चुके थे, इसलिए वो वायनाड जा चुके थे, तो ये अंदर से खौफ था कहीं ना कहीं। अभी तक किसी ने ये इस बारे में क्यों नहीं वीडियो बनाई कि जिस साध्वी प्रज्ञा को हराने के लिए सब लगे हुए थे और आतंकवादी बना रहे थे, भगवा आतंकवाद, और जो साध्वी प्रज्ञा उस मोटिव पे, उस एजेंडे पे चुनाव लड़ रही थी कि मैं इस बात को गलत साबित करूंगी कि भगवा आतंकवाद जैसा भी कुछ होता है। ये जो दिग्विजय सिंह द्वारा भगवा आतंकवाद का क्रिएशन था, उसको तो पहली बात बहुत बुरा वाला हरा के प्रज्ञा ठाकुर ने गलत साबित कर ही दिया है। उसके बाद जनता ने, मतलब भोपाल की जनता ने, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने खुद तो हराया नहीं, जनता ने चुना है कि दिग्विजय चाहिए या प्रज्ञा चाहिए, इतना ही अगर भोपाल की जनता को लग रहा होता कि हम एक आतंकवादी को चुन रहे हैं तो इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता और दिग्विजय सिंह नहीं हारते। लेकिन हारे, प्रज्ञा ठाकुर जीती। और एक चीज़ और साबित हुई कि वो आतंकवादी, एक तो अगर लीगल टर्म्स में जाएँ तो उन्हें क्लीन चिट NIA से मिल चुकी थी अभी तक, क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम से वो अंदर थी, तो उन पर अभी तक कोई प्रूफ भी नहीं कर पाया कि वो टेररिस्ट हैं या उन्होंने वो सब करवाए। उनको 9 साल तक रखा गया, टॉर्चर किया गया, जो भी चीज़ें वो अपने मुंह से कई बार बता चुकी हैं, तो उससे बहुत विवाद खड़े हुए। उन्होंने ये कह दिया कि गोडसे देशभक्त हैं, तो उससे बहुत विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, साध्वी प्रज्ञा ने ये नहीं कहा कि गोडसे ने गांधी जी को मारा इसलिए वो देशभक्त थी, इस एक्ट को जस्टिफाई करते हुए देशभक्त नहीं कहा, उनके अपने और भी ऐसे काम थे जिसलिए देशभक्त कहा। इस बात पे फर्जी का जो विवाद खड़ा किया गया उसका भी लाभ नहीं मिला। तो या तो आप लोग जनता को बेवकूफ़ समझते हो या तो खुद को ओवर स्मार्ट समझते हो, खैर जिसको जो समझना है समझे, लेकिन जनता ने कुछ समझा दिया इस बार, और भाजपा पिछली बार से भी ज़्यादा मैंडेट लेके आई। अब आते हैं मनोज सिन्हा और हमारे निरहुआ के ऊपर। कुछ चीज़ें इन दोनों की हार से, मनोज सिन्हा और निरहुआ की हार से दो बातें प्रूव हुई हैं। पहली, आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, मैं मनोज सिन्हा की बात कर रहा हूँ, आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो किसी किसी जगह के लिए, आप बड़े बड़े सपने देख लो, नए नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर लो, लेकिन अगर आप जाति की राजनीति नहीं करोगे, आप धर्म की राजनीति नहीं करोगे, सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर जाओगे, तो ये भी हो सकता है, आपको ये दिन भी देखना पड़ सकता है। तो इतने बड़े नेता, इतना डेवलपमेंट कराया, आगे और प्लानिंग थी, उसके बाद भी हारना पड़ा। निरहुआ की बात करें तो उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, थोड़ा बड़बोलापन कर गए, लेकिन वही बात थी कि अखिलेश यादव लड़ रहे थे तो मुसलमान और यादव वोट जाना ही था, तो वही जात पात और धर्म की राजनीति यहाँ भी हुई। तो कुछ लोगों को तो सिर्फ इसीलिए प्रॉब्लम है कि भाजपा RSS से जुड़ी है, भाजपा एक हिंदूवादी संगठन है, इसलिए हम भाजपा के अलावा किसी को भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हैं तो अखिलेश यादव भी हिंदू ही, लेकिन क्योंकि वो अपना फेक सेकुलरिज्म पीक पे रखते हैं और अपना हिंदुत्व तो अंदर ही रखते हैं, जब वो मौका आता है, क्योंकि अभी बीच में उन्होंने योगी जैसे दिखने वाले एक को साथ रख रहे थे, हिंदू कार्ड खेलने की बहुत कोशिश की अखिलेश यादव ने भी, लेकिन खैर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उनका मायावती के साथ जुड़ना भी इतना फ्लॉप निकला, उसके लिए एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जात पात की राजनीति अभी भी लोग कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको फेस तो करना पड़ ही जा रहा है। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि साध्वी प्रज्ञा ने प्रूव कर दिया, भोपाल की जनता ने प्रूव कर दिया कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द भी नहीं होता, ये क्रिएशन थी लोगों को भटकाने के लिए, बांटने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। तो जनता
जो लार्ज नंबर में किसी को वोट दे के ले आती है, या तो वो सही है या तो आप बहुत ज़्यादा आंक रहे हो अपने कैपेसिटीज़ को, अपने कैपेबिलिटीज़ को कि बांट लोगे। अभी इतनी मैं बेवकूफ़ नहीं जनता। कुछ लोग हैं, कोई सेक्टर है जो जात पात में चला जाता है और वो बेवकूफ़ बन जाता है। एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, किसी को बुरा लगे लगने दो, लेकिन जात पात में लोग बढ़ते हैं, धर्म के ऊपर जाके ही वोट देते हैं, ये मैं देख रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।